कोई आपकी दिन भर तारीफ करे आपको कैसा लगेगा? या किसी के साथ आपने कोई अच्छा समय बिताया है और जब आप उस बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है? खुशी होती है ना, कितना अच्छा फीलिंग आती है, वो समय याद आ जाता है, वो मेमोरी याद आ जाती है, वो दिन याद आने लग जाता है। कभी कभार वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, उस चीज़ को सोच सोच कर हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, या हम उन चीज़ों को सोच सोच कर चीज़ों को मिस करने लग जाते हैं। एंड आज मैं आपको एक इतनी प्यारी प्यारी शॉर्टेस्ट टिप बताने वाली हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे रोज़ अपनी ज़िंदगी में, रात को सोने से पहले, और मैं तो बोलूँगी सोने से पहले क्या, पूरे दिन में कभी भी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप किसी को भी अपनी याद दिला सकते हो। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर रही हूँ, वो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत बंद है, लेकिन हम चाहते हैं उनको हमारी याद आए, ये जरूर करें। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको किसी के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, वो पास्ट टॉपिक्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। वो पास्ट फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट, गलत चीज़ें बोलना, मिसअंडरस्टैंडिंग, उन सारे थॉट्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, ये सब एक एनर्जी होती है और एनर्जी के थ्रू ट्रैवल करती हैं चीज़ें, आपके पार्टनर की तरफ, आपकी तरफ। जो आप उनके बारे में सोचोगे वही चीज़ आप उन सामने वाले पर्सन को भेजते हो किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी है। कब आपको उसके अंतर दिखने लग जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक अ रिलेशनशिप विथ एनी वन, अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, आज से अभी से उन झगड़ों के बारे में सोचना बंद कर दें, उन लड़ाइयों के बारे में सोचना बंद कर दें, जो गलत बोला है। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप सामने वाले को भेजोगे उतनी ही जल्दी वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप डिवाइन को बस यही इंटेंशन दीजिए, हमारी रोज़ बात हो रही है, हम दोनों एक अच्छे रिश्ते में हैं, हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है, हमारी शादी हो गई है, हम दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनली लव करते हैं, या मेरा पार्टनर मुझसे सिर्फ अनकंडीशनली लव करता है। रोज आपको मैक्सिमम 5 to 10 minutes इन पॉजिटिव अफर्मेशन को अपने मन ही मन बोलना है, अपने दिमाग में अपने पार्टनर या अपनी फ्रेंड की इमेज बनाइए और इन अफर्मेशंस को बोलना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है, सामने वाले पार्टी को आप एक स्ट्रांग, एक अच्छी एनर्जी भेजते हो। जब भी आप मेडिटेशन करते हो आप क्या सोचते हो, ये सारी तो चीज़ें सोचते हो। जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो क्या आप उन अच्छी मेमोरीज के बारे में सोचते हो? और वहीं जब हम एक रियल लाइफ में आते हैं, हमें वो झगड़े, हमें वो फाइटिंग याद आने लग जाता है, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा और आपको अच्छे थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई न्यू थॉट्स भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल है, पर झगड़ा याद नहीं करता। हम करना तो चाहते हैं पर बीच बीच में हमें वो झगड़े याद आ जाते हैं, या हम रिश्ता अच्छा तो बनाना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में वो फाइटिंग हमें याद आ जाती है तो हमें गुस्सा आता है। देखो, वो चीज़ लिखी थी तो वो चीज़ हुई, उसको होना था, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर हम उसी झगड़े पर बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ना ही रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे, ना ही दोनों कनेक्ट कर पाएंगे। नो कॉन्टैक्ट की वजह से डिस्टेंस बढ़ेगा, रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम्स आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपके बारे में सोचे, आप सिर्फ दिमाग में हैप्पी मेमोरीज, हैप्पी थॉट्स के बारे में सोचिए। एक चैलेंज ले लो 7 days का, कि आज से अगले 7 दिन मैं अपने पार्टनर के बारे में सिर्फ अच्छे थॉट्स सोचूंगा या सोचूंगी, या अपने फ्रेंड के बारे में सिर्फ अच्छे थॉट या अच्छे चीज़ों के बारे में सोचूंगी। झगड़े, आर्ग्यूमेंट, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करिए और पॉजिटिव इंटेंशन सोचना शुरू करिए। आपके पार्टनर आपको खुद कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप इस लव एनर्जी को, जब आप इस थॉट प्रोसेस को सोचोगे, ये एनर्जी आप उनको भेजोगे, वो दौड़े चले आएंगे और आपको कनेक्ट करेंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके साथ किसी को रिलेशन अच्छे बनाना है या आपको उनके साथ अगर रिश्ता अच्छा बनाना है, अगर हम उस पास्ट टॉपिक्स के बारे में सोचेंगे, उन झगड़ों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ वही झगड़े विजुअलाइज करेंगे, क्या चीज़ें बेहतर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोई आपको ही आपकी पास्ट की गलती बार बार रियलाइज करवाएगा, आपको क्या अच्छा लगेगा? आई नो हर्ट आप हुए हो, आई एम सॉरी, आपको मेरी इस बात का बुरा लगेगा, बट मैं बोलूँगी अब चीज़ों को न्यू बिगनिंग दो। अगर एक नया दिन है तो हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को अच्छी करने की, चीज़ों को बेहतर बनाने की, तो उसका उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ सिर्फ हमें करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में करना है। 7 days चैलेंज ले लो। अगर बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत झगड़े हो गया है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, इस थेरेपी को करो, आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस इतना स्टार्ट हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है पूरे दिन में, कभी भी बस आपके माइंड में अगर पार्टनर का थॉट आता है, आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छे थॉट्स के बारे में सोचना है। राधे।